हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। दोस्तों, एक पाई की वैल्यू क्या हो सकती है इंडिया में? आप सभी लोगों को पता है, पाई टोकन जो है अभी मेननेट माइग्रेशन चल रहा है और बहुत जल्दी यहां पे इंडिया में भी इसके लॉन्चिंग हो जाएगी। सबसे ज्यादा क्यूरियसिटी आजकल पब्लिक को यही है कि पाई नेटवर्क की वैल्यू हमारे इंडिया में क्या हो सकती है, बिकॉज काफी जगह अदर कंट्रीज की बात करें तो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है और लोगों ने ब्लॉकचेन के ऊपर पाई टोकन्स को सेंड एंड रिसीव करना स्टार्ट कर दिया है और गुड्स एंड सर्विसेज में भी वो लोग पाई नेटवर्क का, पाई टोकन का यूज कर रहे हैं। तो इंडिया में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बट उससे पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको कैसे ट्रांसफर करने हैं आपके टोकन यहाँ मोबाइल वॉलेट से मेनेट में, कैसे ट्रांसफर करने हैं, क्या क्या चेकआउट लिस्ट है, केवाईसी कैसे करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को केवाईसी का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, उनको पता ही नहीं चला कि केवाईसी हमें करना का है। तो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो टेलीग्राम के जरिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये मेरा ऑफिशियल पाई नेटवर्क का एप्लीकेशन है, ये मेन स्क्रीन। इस प्रकार से आप सभी लोग जितने भी टोकन माइन कर रहे होंगे सबके पास ये स्क्रीन होगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये चेकऑफ लिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी आपको, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो दिख रही चेकऑफ लिस्ट, अब यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और ये मेनेट ट्रांसफर एसेंशियल्स, ये सारी चीजें हैं, ये जितने देख रहे हो मुझे यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ, मतलब मैंने ये कंप्लीट कर दिया टास्क। यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, कंप्लीट कर दिया टास्क। उसके बाद इस प्रकार से आपको टोटल 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं, ये मेरा 7 स्टेप है, ये सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। जब 6 आप कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आप ये 7 टास्क आपको मिलेगा और ये आपको कंप्लीट करने के बाद आपके टोकन 14 डेज के अंदर आपके मेननेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज जो पीआई ब्राउजर का जो वॉलेट है वहां पे। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको पाई ब्राउजर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को पाई ब्राउजर और पाई ऐप जो हम जिसे माइनिंग करते हैं दैट इज सेपरेट थिंग, बहुत सारे लोगों को वो अभी तक नहीं पता है। तो पाई ब्राउजर ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, यहां पे लिखना है पाई ब्राउजर, ठीक है। और देखिए ये वाला एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए जो माइनिंग कर रहे हो आप, उससे ये अलग और सेपरेट थिंग है। इसको मैं अगर ओपन करके दिखाऊंगा तो इस प्रकार से ये ओपन होगा, जहां पे आपको केवाईसी का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे मिल रहा होगा केवाईसी का ऑप्शन, है ना। अब कुछ लोगों को ये है कि यहाँ केवाईसी के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपको केवाईसी नहीं आ रहा है, तो केवाईसी करने के लिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको एक आएगा नोटिफिकेशन, यू आर नाउ एलिजिबल फॉर केवाईसी प्रोसेस। बाकी नेटवर्क की तरह यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप जाओ डायरेक्ट बाकी एक्सचेंजेस की तरह और सीधा अपलोड कर दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वहां से उनकी तरफ से आएगा कि आप जो है एलिजिबल हो केवाईसी के लिए, उसके बाद ही आप केवाईसी कर सकते हो। आपको 15 मिनट्स की विंडो दी जाएगी, यहाँ पे लिखा भी है ड्यू टू हाई डिमांड योर केवाईसी स्लॉट इज गारंटेड फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स ओनली, यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस विद इन 50 मिनट्स। उस 50 मिनट्स के अंदर आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट कर लेना है। एक बार आप प्रोसेस स्टार्ट कर दिए मतलब आपने जो स्लॉट लिया है वो बुक कर दिया है, अब जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी वो स्लॉट वहीं पर रहेगा, आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। वैसे ये बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। तो केवाईसी का आपको डाउट हो गया, यहाँ पे पाई ब्राउजर में आपको जाना है और पाई ब्राउजर में जाने के बाद ये केवाईसी इस पाई में, इसमें आपको यहाँ पे केवाईसी कर लेना है। उसके बाद आपको वॉलेट क्रिएट करना है, तो वॉलेट क्रिएट के लिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वॉलेट क्रिएट बहुत सिंपल है, जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट करते हो सेम वैसे ही पास फ्रेज आएगा। उसको आपको कहीं पे भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी दिखाना नहीं है और नोट डाउन करके रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अगर गुम होगी तो आपके सारे बैलेंस गायब हो जाएगा। वॉलेट क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप जब पाई एप्लीकेशन में आओगे जहां पे आप कर रहे हो, ये पाई ब्राउजर ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा, पाई वॉलेट आप क्रिएट कर लोगे 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। जो वॉलेट वहां पे क्रिएट करोगे तो आपको जो है ना एक 32 डिजिट का एक एड्रेस मिलेगा, वॉलेट एड्रेस, तो वो यहाँ पे आपको डालना है, तो आपके 3 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लॉकअप कॉन्फिगरेशन के लिए कमिट करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको 100% कमिट करना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे मेनेट माइग्रेशन के लिए। इन्होंने ये लिखा भी है, पाइनर मस्ट कमिट टू ए लॉकअप सेटिंग टू एवी एलिजिबल फॉर अ मेनेट माइग्रेशन इवन इफ दे डिसाइड नॉट टू लॉकअप। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पाई लॉक करना ही है, पाई आप भले ही लॉक मत करो बट आपको यहाँ पे लॉकअप सेटिंग कमिट करना पड़ेगा, आप भले ही एक भी मत करो। ये मैंने इस बार डाला हुआ है, आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लॉकअप ड्यूरेशन कम कर सकते हो, परसेंटेज कम कर सकते हो। तो ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, ये सारे टास्क विद इन 1 आवर 2 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे। 4 टास्क आपके कंप्लीट हो गए, आपने केवाईसी एप्लीकेशन डाली वो भी कंप्लीट हो गई, रिजल्ट करना है केवाईसी, जैसे आप अप्रूव हो गए तो ये 5-6 टास्क कंप्लीट हो जाएगा और 6 टास्क होने के बाद 7वां टास्क आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो माइग्रेशन टू मेनेट के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ से आपको
कंफर्म करना है बस, दैट्स ऑल। और आपका जो है इस 7 टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका फंड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो मैंने बताया चेकअप लिस्ट में जाके कर सकते हो, या फिर सेकंड ऑप्शन में बताऊं तो यहाँ पे जब इसमें जाओगे आप, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आप जाओगे तो यहाँ से भी आपको मेनेट यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए मेनेट। तो सेम आप जब ओपन करोगे तो वही पूरा प्रोसीजर आपके सामने आएगा जो से मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे आपको अनवेरीफाइड बैलेंस दिखाई दिया जाएगा, जो कि मेरा दिखा रहा 1338। ये अनवेरीफाइड वो है जो कि आपने अर्न किया है आपने कम्युनिटी से, जो आपके जो नीचे जितने भी लोग माइनिंग कर रहे होंगे उनका कुछ शेयर और परसेंटेज मिला होगा। जब अगर वो लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ये अनवेरीफाइड बैलेंस आपको आ जाएगा किसमें, ट्रांसफर बैलेंस में। जैसे मेरा 813 है जो मैंने खुद से अर्निंग किया हुआ है, खुद से माइन किया हुआ है, ठीक है। माइग्रेटेड मेनेट मेरा दिखा रहा है यहाँ पे 00 दिखा रहा है, बिकॉज मैंने भी कल ही किया है 7 टास्क कंप्लीट, तो 14 डेज के बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मेनेट चेकलिस्ट वही सेम चीजें है सारी। तो ये सारी चीजें हैं, आपको केवाईसी करना है और मेनेट चेकलिस्ट आपको माइग्रेशन से पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपके टोकन माइग्रेट हो पाएंगे। कुछ भी डाउट होता है आज की वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछना, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे डाउट्स आपको वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।